हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल इंडिया 91। आज मैं आप लोगों के साथ CITS के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आप देख रहे हैं कि मैं अभी nimionlineadmission.gov.in के पोर्टल पे हूं। यहां पे देख रहे हैं पोर्टल का नाम, और यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं कि कोई भी यहां पे अपडेट नहीं है। एक महीने पहले एक आया था ADIT करके, एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे उसका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके रिगार्डिंग अपडेट है। और CITS से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट पे एक पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है। देखिए, यही वो पेपर कटिंग है, देख रहे हैं। इसमें टेंटेटिव डेट दिखाया गया है और इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया, एक्सप्लेन किया गया काफ़ी लोगों के द्वारा, मैंने देखा। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये काफ़ी फेक न्यूज़ है और इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा बहुत। ये टेंटेटिव एकेडमिक शेड्यूल फॉर CITS 2022-23 के लिए दिखाया गया है। देखिए, ये ना जाने कौन से लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे चीज़ों को एडिट करते हैं, बनाते हैं, फिर फेक न्यूज़ की तरह उसे चलाते हैं इंटरनेट पे और काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं। इसमें बताया गया था कि 8 तारीख को आपका फॉर्म आ जाएगा, जो कि दिखाया जा रहा है यहाँ पे। 8 तारीख को फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 8 से, और फिर मॉक टेस्ट, एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। इसमें काफ़ी शेड्यूल आप लोगों को दिखाया गया है और सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इसे काफ़ी यूट्यूबर ने इस्तेमाल किया और अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए, अभी कोई अपडेट नहीं है। पहले भी मैंने आपको वेबसाइट पे ले जा करके दिखाया कि कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CITS से रिलेटेड तो कोई अपडेट नहीं है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या फिर फॉर्म फिलअप के लिए कोई मैसेज हो। आप जानते हैं कि 2021-22 में जब भी फॉर्म आया था तो उसके रिगार्डिंग एक दिन पहले वो लोग मैसेज दिए थे कि कल आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी कोई मैसेज नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। आप जानते हैं कि इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो DGT जारी करता है, वही इसका एडमिशन प्रोसीजर सब कुछ फॉलो करवाता है, वहाँ से फॉर्म फिलअप करवाता है, एंट्रेंस लेता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकालना, कॉलेज अलॉटमेंट करना और फिर आपको कॉलेज में एडमिशन देना। ये सब प्रोसीजर DGT ही करता है। और आप देख रहे हैं कि ये DGT की वेबसाइट है यहाँ पे nimionlineadmission.in, और यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लगभग में 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मैं DGT हूँ नहीं कि आप लोगों को जो भी डेट बता दूंगा वो डेट एकदम परफेक्ट होगा। मैं आपको जो एज्यूम्ड डेट होगा वही मैं बता सकता हूँ। काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो जाता है बच्चों के सामने, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे फेक न्यूज़ चलाते हैं। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, और एक वीडियो भी मैंने सेपरेट बनाया था जिसमें आपको अपडेट चेक करना बताया था कि कैसे आप NCVT के पोर्टल पे चेक करेंगे, DGT के पोर्टल पे आप कैसे चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ अपडेट आता है। तो अपडेट के लिए आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा कि कैसे ITI में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद के भरोसे रहिए, खुद से अपडेट चेक करना सीखिए, नहीं तो ये यूट्यूबर आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। इनका क्या है, ये तो अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं, डाल देंगे 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 लोग देखेंगे, इनका फ़ायदा होता है, एडवर्टीजमेंट चलता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी उन पे भरोसा करते हैं और आप लोग उन पे डिपेंडेंट होते हैं एक तरीके से। तो आप लोग डिपेंडेंट रहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इस तरीके से डिपेंडेंट रहिए कि आप लोग भी उसको क्रॉस चेक कर पाइए। और जो भी चीज़ें हों, अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे, सही न्यूज़ दे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा। इस बार देखिए, कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कब एग्जामिनेशन होगा इसका, कब फॉर्म आएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस बार इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ होने जा रहा है ये एग्जामिनेशन। टफ होने का ये है मीनिंग कि आप लोगों का मेरिट हाई जाएगा। इस बार जो आपका एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं। आजकल देख रहे होंगे कि ITI में एडमिशन लेना भी टफ हो गया है गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के, और गवर्नमेंट कॉलेज में आप जानते हैं कि ज़्यादा सीट नहीं होता है, एक ट्रेड में 20-25 ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से एडमिशन काफ़ी सेलेक्टेड बच्चों का ही हो पाता है। और CITS में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन की यदि बात करें तो वहाँ पर बहुत ही कम सीट है, और कम सीट की यदि बात करें तो 825 सीट है इलेक्ट्रीशियन का टोटल NSTI यदि काउंट करें तो। और IT/OT में भी बहुत कम सीट है, और आप जानते हैं कि काफ़ी बच्चे NSTI लेना ही चाहते हैं। NSTI में क्या फ़ायदा है कि पहला फीस कम लगता है, दूसरा फैसिलिटी
और जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। आप लोग NSTI से ही अपना CITS कंप्लीट करिए और वहाँ पे आपको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ पे वर्कशॉप अवेलेबल होता है, टीचर अवेलेबल होते हैं, आपको अच्छे स्किल दिए जाते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, जैसे टीचर का अवेलेबल ना होना, फिर उसके बाद चीज़ें अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाना, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ों की अवेलेबिलिटी की कमी होती है। तो मैं कहूँगा कि आप मेहनत करके NSTI ही पाइए, NSTI से ही अपना CITS कोर्स कंप्लीट करिए। देखिए यहाँ पे 34 ट्रेड में NSTI में एडमिशन होता है। 34 ट्रेड काफ़ी ट्रेड हैं और आप जानते हैं कि इसमें ITI, पॉलिटेक्निक और BTEC तीनों शामिल होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है वो ITI के ही बेसिस पे लिया जाता है। जैसे ITI का जो ट्रेड थ्योरी है उसमें से ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन 75% आते हैं, बाकी 25% में आपका रीजनिंग और मैथ और थोड़ा बहुत GK GS एक दो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आप अपना अच्छा तैयारी करिए। इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको यही एडमिशन के ही रिगार्डिंग देना चाहता था। पेपर कटिंग का मैं पर्दाफाश करना चाहता था कि जो भी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो जाएं। और जो बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सही समय पर देता हूँ। कोई ऐसा फेक न्यूज़ नहीं है जो कि आप देख पाएंगे हमारे चैनल पर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें सही होता है जो आपका वेबसाइट पे दिखता है, जैसे NSTI हो गया, फिर DGT हो गया, NCVT हो गया, इन्हीं सभी वेबसाइट से मैं आपको उठा करके न्यूज़ अपडेट देता हूँ। बाकी जैसे कि इंटरनेट पे वायरल हो रहा है कोई वीडियो, कोई कटिंग, इन सभी चीज़ों को हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि उस पर कोई भरोसा नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि 8 तारीख को बताया गया था कि एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना। आज 8 से लेकर के 11 हो गया। तो देखिए इन सभी चीज़ों पे आप भरोसा ना किया करिए, आप खुद अपडेट चेक करना सीखिए। और अपडेट वाला लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अपडेट चेक करना सीख जाइए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, ITI हो, CITS हो, अप्रेंटिसशिप हो, किसी भी तरीके का अपडेट हो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पर कम्प्लीट वीडियो दिया है 20 से 25 मिनट का, आप उसे कम्प्लीट देखिएगा और उसे यदि आप फुल देख लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो जाएंगे। आपको किसी चैनल को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है। और देखिए इस बार तो थोड़ा कंपटीशन हाई होने वाला है, कंपटीशन टफ होने वाला है, तो आप लोग अच्छी तैयारी करिएगा और हमारे चैनल के एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इसके लिए सब कुछ पढ़ाया गया है। यदि आप ITI में हैं तो भी पढ़ सकते हैं, NSTI में हैं तो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस सेम होता है, सिलेबस, चैप्टर सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो जाता है वहाँ पे टीचिंग टेक्निक का। NSTI में आप जानते हैं तो एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ट्रीट करने का तरीका अलग हो जाता है, और जबकि आप ITI में होती हैं तो आपको एक ट्रेनीज के तौर पे देखा जाता है, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन कर पाएँ और कहीं जा कर के उसको इम्प्लीमेंट करें, सीखें, बढ़ाएं, बताएं। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में। और एक चीज़ बता दूँ, जब भी अपडेट आएगा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सबसे पहले हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यहीं मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। ऐसे ही आगे NCVT, SCVT, DGT के साथ जुड़े रहने के लिए Skill India 91 को सब्सक्राइब करके रखें और अपना बेहतर भविष्य उज्जवल करने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, सीखते रहें कंटिन्यू। धन्यवाद।